السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، کڈنی میں، لیور میں، پتا میں پتھر آ گیا تو لوگ بہت پریشان ہوتی ہیں. वही परेशानी की हालत में ऑपरेशन करा ले को, शूट करा ले को, किडनियाँ ख़राब कर ले को, दुनिया के पैसे खर्च कर ले को परेशान रहते हैं. इसे सब सिंपल है. ये देखो, ये है काटे माट की भाजी. यह आपके घरां के आजू बाजू रहती है, रोडां के आजू बाजू. कहाँ जाती तुम्हें हरियाली कहाँ रहती है, घास कहाँ रहता है, वहाँ ये उपकोर होता है. इसमें झाड़ भर को काटे आते हैं, देखो पत्ते आते हैं. इसमें हमेशा इसमें कतली बना खाए, दाल में दाल को खाए, चाकना बना खाए, भाजी बना खाए तो कौन सा पत्थर भी नहीं आता किडनी में, लीवर में, पित्ता में. और हमेशा आपके पित्ता, लीवर, किडनी पाक रहते हैं. और जो है दूसरे कईयों बीमारियों से बच जाते हैं आप. तो इसका नाम है काटे माट. इसमें काटे नहीं सो भी आती, खाली माट की भाजी आती है, काटे नहीं रहते. वो भी इतना ही काम करता है. देखो खून आया, चुप गया, बहुत होशियार की पकड़ना है. और इसका भाजी पूरी, दाल बना को खाना, दाल में दाल को, कतली बना को. और इसके जो काटे गीटे बसते हैं ये सब भी अच्छा उबाल को. हाँ, इसमें ज़रा जीरा, अजवान, सौंफ डाल को, थोड़ा काला गुड़ डाल को, चाय की तरह बना को पीना. घर में सबको देते रहना. ये सबको देते रहे तो हर बीमारी से बचको रहती हैं. ठीक है, तो किडनियाँ, लीवर, पित्ता ये पाक और साफ रहा तो कौन से बीमारियां भी आते नहीं. पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हुए तीन ही चीज़ा, पित्ता, लीवर, किडनियाँ. मेरे दोस्तों, अल्लाह के नियामतों की कदर करो, हमेशा खुशहाल जीती. अल्लाह के नियामतों को इनका